हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैक्ट्स मॉल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि अभी तक आप यही जानते होंगे कि ये विदेशों में बने होंगे, लेकिन ये सारे आविष्कार जो हैं अपने देश में बने हैं, जिसको कि मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। साथ में मैं आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताऊँगा जहाँ पर कि जो भी गेस्ट जाता है, यानी कि होटल में जो भी मेहमान बन के रुकता है, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो होटल उनको सोने का एप्पल का आईपैड देता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर नज़र आएंगे और साथ में रसिया के और चाइना के भी विदेश मंत्री खड़े नज़र आएंगे। ये एक समारोह की फ़ोटो है जबकि हमारे मंत्री साहब विदेश गए हुए थे। तो आप ध्यान दीजिए कि बाकी दोनों देशों के मंत्री अपने अपने झंडे के ठीक सामने खड़े हैं, जबकि हमारे विदेश मंत्री अपने झंडे को थोड़ा जगह दे करके साइड में हट के खड़े हैं। जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि हमारा झंडा पूरे विश्व को अच्छे से दिखाई दे, और उन्होंने इस तरह से अपने झंडे को सम्मान दिया। तो एक लाइक तो बनता है अपने विदेश मंत्री के लिए, जो कि अपने देश के लिए और अपने झंडे के लिए ऐसा जज्बा रखते हैं। फ्रेंड्स, अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये हमारे दक्षिण भारत के अभिनेत्री कीर्ति सुरेश हैं। आप इनकी कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिएगा, ये पूरे परिधान में नज़र आएंगी, और वो भी पारंपरिक परिधान में, साड़ी वगैरह में। इन्होंने आज तक किसी भी पिक्चर में कोई भी अश्लील कपड़े नहीं पहने, आना कभी अश्लीलता को बढ़ावा दिया है। तो एक लाइक तो निश्चित तौर पर बनता है ऐसे हीरोइन के लिए। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग पुलिस वालों के बारे में हमेशा निगेटिव बातें ही सुनते हैं कि फलां जगह पुलिस ने ये किया, यहाँ घूस ले लिया वगैरह वगैरह, जो भी, या लोगों को तंग किया, पब्लिक को तंग करती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए कि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, चाहे पुलिस हो या आम पब्लिक हो। तो मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूँ जो कि पुलिस के अच्छी बातों को उजागर करता है। हुआ यूँ कि मुंबई में एक बार जब लॉकडाउन पिछली बार लगा हुआ था, तो वहाँ पे पुलिस जो है साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान देखा कि एक बूढ़ी औरत एक जगह बैठ करके फूल बेच रही है। तो पुलिस वाले वहाँ गए और बोले कि आप फूल मत बेचिए, ये नियम के खिलाफ है, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आप चुपचाप घर चले जाइए। तो उस औरत ने अपनी मजबूरी का रोना रोते हुए कहा कि बेटा, अगर मैं फूल बेचना बंद कर दूँगी तो भूखे मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है और मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के पुलिस वाले को उस बूढ़ी औरत पे बहुत दया आ गई, उसका दिल पिघल गया। उसने कहा कि ठीक है माताजी, आप ऐसा करो कि आप घर जाओ और ये 500 रुपये लो, और आप जा कर के आराम से रहो, और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक हम आपको 500 रुपये रोज़ाना देते रहेंगे। और इस तरह से पूरे लॉकडाउन तक, जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, उन पुलिस वालों ने उस बूढ़ी औरत को रोज़ाना 500 रुपये दे करके उसकी आजीविका को लगातार चालू रखा। तो एक तो सैल्यूट बनता ही है मुंबई पुलिस के ऐसे पुलिस वालों के प्रति। फ्रेंड्स, हमारा इंसानी दिमाग 24 घंटे में हजारों विचारों को प्रोसेस करता है, यानी कि हम लोग 24 घंटे में हजारों विचारों का सामना करते हैं, दिमाग हमारा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि हजारों विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो उसमें से 70% विचार निगेटिव होते हैं, यानी कि हम लोग उसका नकारात्मक पक्ष सोचते हैं हमेशा। अगर आप इस चीज़ को उलट दें, अगर हम अपने दिमाग को ऐसा धीरे धीरे प्रोसेस करके बना लें कि हमेशा हम लोग प्रोसेस में पॉजिटिव सोचें, यानी कि 70% हम लोग पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें किसी चीज़ के बारे में, किसी भी पहलू के बारे में, तो हमारा जीवन जो है बहुत बदल जाएगा, यानी कि हर चीज़ पॉजिटिव होगा और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी हर मामले में। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग इनको पहचानते होंगे। ये मशहूर गायिका पलक मुच्छल हैं। इन्होंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में करीब 1000 छोटे बच्चों के दिल का ऑपरेशन अपने खर्चे पर करवाया है। इसके लिए तो इन्हें 100 तोपे की सलामी निश्चित तौर पर बनती है। फ्रेंड्स, अब इन महाशय की तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये हैं BHU के रिटायर्ड डॉक्टर। इन्होंने 2003 में रिटायरमेंट ले लिया था। इनका नाम है प्रोफेसर TK लहरी। इनकी उम्र करीब अभी 82 साल है, और ये आज भी इतने बुढ़ापे में भी सारे मरीजों को मुफ्त में देखते हैं, और उनका गरीब मरीजों को, और फ्री में उनका इलाज करते हैं फ्रेंड्स। और उनसे मरीज बहुत खुश रहते हैं, और ये एक पैसा नहीं लेते हैं। ज़रा सोचिए कि आज के ज़माने में अगर वो चाहते तो हम अपने देश में कहीं भी प्राइवेट अस्पताल खोल करके करोड़ों रुपये कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। काश हमारे देश के जो बाकी डॉक्टर हैं, जो कि बड़े बड़े अस्पताल खोल करके बैठे हुए हैं और गरीबों को और आम जनता को ATM मशीन समझ करके उनका दोहन कर रहे हैं, कुछ इनसे सीख पाते और कुछ अच्छा करते।
अब इस तस्वीर को देखिए, आप निश्चित तौर पे इनको पहचानते होंगे। ये हैं तमिल सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण। इन्होंने आज तक अपने पूरे फिल्मी करियर में किसी भी विज्ञापन में काम नहीं किया है, यानी कि विज्ञापन फिल्में इन्होंने एक भी नहीं की है। इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं विज्ञापन फिल्में करते हैं, उससे तो आपको काफ़ी पैसा आता। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी जीवन में कभी भी आगे भी विज्ञापन फिल्में नहीं करूँगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि जितने दर्शक इनकी फिल्में देखने आते हैं, इन पे बहुत भरोसा करते हैं कि ये जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और इन्होंने विज्ञापन में कुछ भ्रामक बातें बता दी, जैसा कि कंपनियां अपने स्क्रिप्ट में लिखती हैं, विज्ञापन हमेशा भ्रामक ही होता है, ये जान लीजिए आप। तो उनके दर्शक जो है भ्रमित हो जाएंगे और ये उनका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए इन्होंने विज्ञापन कंपनियों के करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकरा करके और उन्होंने ये फैसला किया कि हमें विज्ञापन फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं करना है। और एक तरफ आप ये देखिए कि हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जैसे अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान जैसे लोग हो गए, ये जो हैं हमारे आने वाली नई पीढ़ी के बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। और उनको अच्छी तरह से पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, तरह तरह के फेफड़े की बीमारियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आम पब्लिक जो है, हमारे जो नए नए पीढ़ी के बच्चे हैं, वो बीमारी से मर जाएं, उनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उनको अपना पैसा कमाना है चाहे जैसे आए। इसलिए वो अपना ये गुटखा वगैरह का विज्ञापन हमेशा करते रहते हैं। अब इन बुज़ुर्ग को देखिए, ये हैं सुबेदार कपूर सिंह। इनके कारनामे इतने बड़े हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध में अकेले ही चीन के 60 सैनिकों को मार के गिरा दिया था। सोचिए कितने बहादुर थे ये। फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है उस होटल के बारे में जानने का जो अपने यहाँ रुकने वाले मेहमानों को सोने का आईपैड, एकदम प्योर सोने का आईपैड, वो भी एप्पल का, फ्री में देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस होटल का नाम है बुर्ज अल अरब, जो कि दुबई में है। वहाँ जो भी मेहमान रुकता है, तो जब मेहमान जब होटल से बाहर जाता है, निकलता है, होटल छोड़ता है जब, तो उसे सोने का आईपैड गिफ्ट में दिया जाता है एप्पल कंपनी का। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ आविष्कार ऐसे हैं कि जो हमारे देश के आविष्कार हैं, लेकिन अब तक हम यही जानते हैं कि आविष्कार विदेशों में हुए होंगे। जैसे कि ईमेल को ही ले लीजिए, हमें सुन के लगता है कि अमेरिका जैसे किसी कंट्री ने किया होगा, जबकि सच्चाई ये है कि इसका आविष्कार, यानी कि ईमेल का आविष्कार, हमारे भारत में हुआ था। और इसे सिर्फ 14 साल के उम्र में 1978 में शिव अय्यादुरई नाम के एक लड़के ने किया था। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर का नाम आज के समय में हम सब लोग जानते हैं। जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर हमारे घरों में बहुत सारे भाई लोग लगवा करके यूज भी करते होंगे, जिसका स्पीड 30 Mbps से लेकर के 100 Mbps तक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका भी आविष्कार एक भारतीय ने किया था, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कापनी। इनके ही आविष्कार के चलते आज पूरा विश्व इतना फास्ट इंटरनेट का यूज कर पा रहा है। इनको ऑप्टिकल फाइबर का पिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। ये हैं ओला के संस्थापक यानी कि CEO भाविश अग्रवाल। इन्होंने ही ओला कंपनी को खड़ा किया था और आज ओला कंपनी जो है पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग भी ओला की सेवाएं बड़े शहरों में निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा। तो इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि ओला की शुरुआत कैसे हुई। तो हुआ यूँ था कि एक बार भाविश अग्रवाल कहीं से लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तो रात के समय में उन्होंने एक टैक्सी वाले को हायर किया और घर का जो तय भाड़ा था वो देने की बात हुई। तो टैक्सी वाला देखा कि और कोई टैक्सी वाला नहीं है, रात में ये अकेले हैं और अगल बगल और कोई साधन नहीं है जाने का, तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगा, अनाप शनाप पैसे मांगने लगा। तो इनको लगा कि वो बहुत नाजायज कर रहा है, खींच करके उससे काफ़ी चकचक हुई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, भले ही मुझे पैदल ही घर क्यों ना जाना पड़े। तो उस रात वो पैदल ही घर चले आए और उसी दिन इन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है कि भविष्य में किसी और को भी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने ओला की नींव रखी और उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि आदमी बहुत कम खर्च में और जायज खर्च में अपने डेस्टिनेशन पे कहीं भी आ जा सकता है, 2400 घंटे में से कभी भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।